नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। काम की खबर, अभी भी जुड़वा सकते हैं मतदाता सूची में नाम। लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य पूरा हो चुका है। सामान्यतः यह माना जाता है कि अब मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ पाएगा, पर ऐसा नहीं है। अब भी ऐसे पात्र व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं जो किसी कारण से पुनरीक्षण अभियान के दौरान आवेदन नहीं कर सके थे। निर्वाचन आयोग ऐसे सभी मतदाताओं को नामांकन जमा होने की अंतिम तिथि के 10 दिन पूर्व तक सूची में नाम जुड़वाने का अवसर देता है। आयोग ने यह सुविधा भी दी है कि ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी आयु 1 अप्रैल 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूरी हो जाएगी, वे अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। काम की खबर, महाशिवरात्रि पर उज्जैन में महाकाल मंदिर क्षेत्र रहेगा नो व्हीकल क्षेत्र, ये मार्ग रहेंगे प्रतिबंधित और यहां बनाए पार्किंग स्थल। महाशिवरात्रि पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने महाकाल मंदिर के आसपास के क्षेत्र को नो व्हीकल क्षेत्र घोषित कर दिया है। 12 मार्गों को पुलिस ने 7 मार्च से ही प्रतिबंधित कर दिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर के चारों ओर 10 स्थानों पर वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इंदौर और देवास व मक्सी की ओर से आने वाले वाहन शांति पैलेस चौराहा से होते हुए हरिफाटक चौराहा, जंतर मंतर, लालपुल टर्निंग होकर नृसिंह घाट के पास करकराज पार्किंग में जा सकते हैं। अब ट्रेनों में टिकट चेक करेगा महिला टीटीई का दुर्गा वाहिनी दल। जबलपुर में ट्रेन में यात्रियों की टिकट जांच का जिम्मा अब तक पुरुष टीटीई के ही जिम्मे था। कोच में यात्रियों की भीड़ और टिकट सीट को लेकर उनकी नाराजगी भी इन्हें झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब ट्रेनों में इनके साथ महिला टीटीई का दल भी चलेगा। यह ट्रेन में औचक निरीक्षण कर यात्रियों की टिकट जांच करेगा और जरूरत पड़ते पर यात्रियों के दुर्व्यवहार को लेकर एक्शन भी लेगा। ट्रेन में महिला यात्रियों को यदि सुरक्षा या अन्य समस्या है तो वह उन्हें सुनकर जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाएगा भी। पश्चिम मध्य रेलवे जोन का जबलपुर रेल मंडल ने इसकी शुरुआत करने जा रहा है। जबलपुर में शहर की 9 लोकेशन पर लगेंगे ANPR कैमरे। जबलपुर शहर के 9 और स्थानों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन ANPR सिस्टम वाले CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। बता दें कि अभी वर्तमान में केवल पेंटिना का चौक ऐसा है जहां पुलिस का ANPR सिस्टम लगा हुआ है। 9 और स्थानों पर इनके लगने के बाद इनकी संख्या 10 हो जाएगी। हाल ही में कैमरा लगाने वाली कंपनी ने इसका सर्वे पूरा किया है। ऐसा माना जा रहा है कि मार्च के आखिरी सप्ताह तक इन सभी नई 9 लोकेशनों पर कैमरे इंस्टॉल कर दिए जाएंगे और इनकी निगरानी सीधे पुलिस कंट्रोल रूम से होगी। टिकमगढ़ में पति से विवाद के बाद बोला युवक, आज से मैंने प्रेमिका को छोड़ा। प्रेमिका ने कहा, मैंने भी प्रेमी को छोड़ा। प्रेमिका के बुलाने पर प्रेमी अपने 2 साथियों के साथ उसके घर पहुंच गया। प्रेमिका के पति और प्रेमी के बीच जब विवाद हुआ तो यह मामला पुलिस थाना पहुंचा। हालांकि दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य से बनी तो यह मामला सुलझ गया। यह कहानी बड़ागांव थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम हैदरपुर की है। पुलिस की व युवती के स्वजन की समझाइश पर मामला सुलझ गया पुलिस थाने में, जहां विवाहित प्रेमिका ने कहा कि आज से उसने अपने प्रेमी को छोड़ दिया, उससे कोई वास्ता नहीं है। वही प्रेमी ने भी कहा कि आज से उसने अपनी प्रेमिका को छोड़ दिया है, अब उससे कोई वास्ता नहीं है। इंदौर में दोस्त के प्यार में लड़का बना लड़की, युवक शादी से मुकरा तो कार में लगा दी आग। पहले 2 युवकों में दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलती है, प्यार परवान चढ़ता है और बात शादी तक पहुंचती है तो एक दोस्त दूसरे दोस्त के कहने पर जेंडर बदलवा कर लड़की बन जाता है, लेकिन इसके बाद पहला दोस्त उससे बातचीत बंद कर देता है और शादी से भी इनकार कर देता है, जिससे बाद लड़की बना युवक अपने दोस्त के घर जाकर उसकी कार में आग लगा देता है। दोस्ती प्यार और धोखे का यह मामला इंदौर और कानपुर से जुड़ा है। मामले में पुलिस ने कार में आग जलाने वाले 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपितों ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। ग्वालियर में प्लाट की खुदाई में मिले विक्टोरिया काल के सिक्के, लेकर भागने लगे कुछ लोग, पुलिस ने पकड़ा। ग्वालियर शहर में शिंदे की छावनी नौगजा रोड पर एक खाली पड़े प्लाट की खुदाई के समय दफीना गढ़ा हुआ माल मिलने की खबर के बाद सनसनी फैल गई। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। खजाने में मिले विक्टोरिया काल के सिक्के लेकर खुदाई के दौरान भागने लगे,
लेकिन कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस को खबर कर दी। मम्स वायरस का अटैक, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी परेशान। मौसम बदलने के साथ ही मम्स गलसुआ के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। रोजाना 15 से 20 मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। चिकित्सक मरीजों का इलाज कर आराम करने की सलाह दे रहे हैं। तेज धूप, सुबह शाम ठंड पड़ने के कारण मम्स का वायरस अटैक कर रहा है। नतीजतन जिला चिकित्सालय से लेकर जेएच की ओपीडी में मम्स वायरस की चपेट में आए मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी आयु वर्ग के मरीज मम्स के शिकार हो रहे हैं। सभी को दवा देने के साथ आराम करने को कहा जा रहा है। सिंहस्थ के लिए मोहन सरकार ने बनाई 18,840 करोड़ रुपए की योजना। उज्जैन में होंगे ये बड़े काम। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में साल 2028 में लगने वाले महाकुंभ सिंहस्थ की तैयारियों के लिए 18,840 करोड़ रुपए की योजना बनी है, जिसमें 19 विभिन्न विभागों के माध्यम से 523 कार्य कराना प्रस्तावित है। प्रस्तावित योजना में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र, चुनावी घोषणा पत्र की झलक दिखाई पड़ती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षिप्रा नदी के घाटों का विस्तार किया जाए ताकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरलता से स्नान कर सकें। सड़क मार्गों पर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, मूलभूत सुविधाएं, गेस्ट हाउस विकसित किए जाएं। शहर में संचालित होटलों और धर्मशालाओं की व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। अफसरों ने बताया कि आगामी सिंहस्थ में 9 अप्रैल से 8 मई की अवधि में 3 शाही स्नान और 7 पर्व स्नान प्रस्तावित है। सिंहस्थ में 14 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। भोपाल से रवाना हुए भाजपा के प्रचार रथ, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। इसी सिलसिले में प्रदेश भर में चुनाव प्रचार के लिए बुधवार को पार्टी एलईडी प्रचार रथ प्रदेश के सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद आदि ने प्रदेश कार्यालय से आज सुबह प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के लिए एलईडी प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एलईडी रथ को हरी झंडी दिखाने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे प्रतिपक्ष के लोग भी अब कहने लगे हैं, अब की बार 400 पार। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में ये सुझाव वैन जाएगी और जनता के सुझाव लाएगी। सीएम ने कहा कि तमाम हथकंडों और षड्यंत्रों के बाद भी मोदी जी ने अपना नेतृत्व पिछले 10 साल में साबित किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को घेरे बगैर ही ग्वालियर चंबल अंचल से निकल गए राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 5 में से 2 दिन ग्वालियर चंबल में रही। यहां राहुल ने अंचल के बड़े नेता व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। यही नहीं, उन्हें लेकर पूछे गए सवाल से भी किनारा कर लिया। वह सिर्फ पीएम मोदी व उद्योगपतियों पर ही हमलावर रहे, जबकि इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जब इस अंचल में आई थी तो उनके निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। ऐसे में कयास लगाया जा रहा था कि राहुल भी सिंधिया की घेराबंदी करेंगे, लेकिन उन्होंने सिंधिया का नाम तक नहीं लिया। काम की खबर, महाशिवरात्रि पर उज्जैन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चलेंगी निशुल्क बसें। महाशिवरात्रि पर भगवान महाकाल के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को कर्कराज मंदिर तक लाने ले जाने के लिए निशुल्क बस चलाई जाएगी। विभिन्न पार्किंग स्थलों से भी बस सेवा संचालित होगी। यह जानकारी मंदिर प्रशासक संदीप कुमार सोनी ने रविवार रात महाशिवरात्रि की व्यवस्था का निरीक्षण करने महाकाल मंदिर पहुंचे आईजी संतोष कुमार सिंह व कलेक्टर नीरज कुमार सिंह को दी। आला अधिकारियों ने दर्शनार्थियों के लिए निर्धारित मार्ग का पैदल भ्रमण किया तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए। फिर लौटेगा पुराना दौर, इंदौर में दौड़ेंगी सरकारी स्कूलों की बसें। इंदौर में एक बार फिर पुराना दौर लौट रहा है। 30 साल पहले तक सरकारी स्कूलों के बच्चों को लेकर पूरे शहर में दौड़ने वाली बसें एक बार शुरू होने जा रही है। उस दौर में डाज बसें चलती थी, लेकिन अब आधुनिक बस डाज की जगह ले लेंगी। दरअसल 2 वर्ष पहले शहर में शुरू हुए 11 सीएम राइज स्कूलों में इस शिक्षण सत्र से स्कूल बस सेवा शुरू होने जा रही है, जो पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। हाल ही में इन बसों के टेंडर हुए हैं। अब शिक्षा विभाग द्वारा रूट तय किया जा रहा है। रशिया में गोल्ड विजेता सतना की वैष्णवी ने 2019 में भी लहराया था परचम, सीएम ने दी बधाई। रशिया में गोल्ड जीतने वाली रामपुर बाघेलान के करही की वैष्णवी के रगों में सफलता दौड़ती है। वैष्णवी ने बताया कि वुशु खिलाड़ी व बड़ी बहन गीतांजलि त्रिपाठी से प्रेरित होकर वुशु खेलकर कुछ करने का फैसला किया था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है।
वैष्णवी त्रिपाठी को मिली कामयाबी के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।